हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? मेरी अभी आवाज़ भी नहीं निकल रही है क्योंकि अभी जस्ट उठा हूँ मैं सो के, और बस व्लॉग एडिट करके अपलोड ही किया है क्योंकि 9 बज रहे हैं घड़ी में। अगर मैं दिखाऊंगा तो घड़ी देख पाओगे तो 9 बज रहे हैं और जो है व्लॉग वो पहुँच गया है। अभी आज मज़ा आने वाला है, आज छोले भटूरे बना रहे हैं हम, दिखाऊँगा क्या ही मस्त छोले भटूरे बनाएंगे। तो चलो पहले सुबह की चाय पी लेते हैं। दीदी ने तो अपनी चाय और नाश्ता शुरू कर दिया है, मेरा रजनी बना रही है मेरे को चाय के साथ गरम गरम पूड़ी छकती है। मतलब वैसी नहीं, जैसे रात को पूड़ी रख दो फिर वो सुबह तवे पे गरम करो तो करारी हो जाती है ना, तो चाय के साथ वो पूड़ी बहुत अच्छी लगती है। अभी रजनी कर रही है मेरे लिए, देन मैं दिखाता हूँ क्या ही बढ़िया लगेगी, मस्त खाएंगे उसको। और जिसने अभी तक ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर दो यार, जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, जल्दी जल्दी कम्प्लीट करते हैं। चलो दिखाता हूँ नाश्ता। तो गाइस देखो छोले भिगो दिए हैं और अभी मैं मार्केट जाऊंगा और मार्केट से मेरे को दही लेके आना है। गाइस आज मौसम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो रखा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि गर्मियाँ पड़ रही हैं, मतलब बिल्कुल धूप नहीं है। ये देखो ये बैडमिंटन खेलने के लिए आ गया अभी से, तो अच्छी चिड़िया मतलब ना, मैं 20-20 रुपये वाली इतनी चिड़िया ला रखी है, मुझे चंदा जमा करके देते ना तो मैं ले आता बहुत बढ़िया वाली चिड़िया। तो गाइस मिरेस पे अमरूद आए थे, मैंने दिखाए थे लास्ट टाइम और एक भी अमरूद नहीं खा पाया, सारे अमरूद सड़ गए, मतलब कीड़े लग गए थे इस पेड़ में। अब नेक्स्ट टाइम का वेट करना पड़ेगा यार। और अभी हम लोग को मैदा लेके आनी है और दही लेके आना है क्योंकि छोले भटूरे में छोले तो उबलने शुरू हो गए हैं, मेरे को भटूरे बनाने के लिए ढेर सारा दही और मैदा लेके आनी है जो मैं अभी जाऊँगा। लेकिन उससे पहले चाय पियेंगे, घर में अंदर चाय बन रही है और बाहर बैठे हैं आराम से। तो गाइस मैदा आ गई, बासमती राइस आ गए और बच्चों के लिए भी को आए, और अब हम मसाला तैयार करेंगे छोलों के लिए। तो गाइस ये हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है, सब चीज का मिक्स पेस्ट है ये, इसमें सारे मसाले भी हैं और प्याज भी है और टमाटर भी है और हरी मिर्ची भी है और धनिया भी है, लहसुन भी है, सब है। और मैं बच्चों का एक ही खा गया पूरा बिंगो, देखते देखते ही बच्चों ने ही खा गया। इधर हमारे छोले उबल चुके हैं और निकाले जा रहे हैं। तो गाइस देखो छोले कुकर से बाहर आ गए और इसमें ये चाय की पत्ती लगाई गई थी ताकि ये थोड़ा कलर ब्लैक हो जाए छोलों का, मतलब ढाबे जैसे दिखें। इधर आटा मड़ना शुरू हो गया है और इधर दीदी ने छौंकना शुरू कर दिया है छोलों को, और ये मस्त दिखाऊंगा कैसे बनते हैं, बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो गाइस इधर भटूरे बनाने के लिए मैदा माड़ी जाएगी अब, और ये मैदा है और ये शायद ये क्या चीज़ है, ये कौन से पत्ते हैं? मेथी दाना, कस्तूरी मेथी। हाँ ये कस्तूरी मेथी है। और इधर देखो छोले पड़ने वाले हमारे, ये बिल्कुल होटल वाली वाइब आ रही है खुशबू गाइस, अगर इसमें सेंसर आ जाए सूंघने वाला तो मैं यहीं से सूंघा देता हर एक को। तो गाइस हमारी सब्जी उबल चुकी है, मतलब बन चुकी है पूरी तरह से। ओह भाई क्या ही खुशबू आ रही है, बहुत ही बढ़िया, मुझे पता है आप लोग चेक नहीं कर पाओगे लेकिन है बहुत अच्छी है। तो गाइस क्या ही चावल बने हैं और मस्त लग रहे हैं एकदम यार, घी मिला दिया तो और ज़्यादा चमक रहे हैं, देखो कितनी शाइन मार रहे हैं। अब इनको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए,
तो गाइज अभी घर में बड़े बूढ़े लोगों को मतलब पापा को और बाबा को खाना खिला दिया, उनके लिए रोटी बनी थी छोलों के साथ, और अभी हमारे भटूरे बनेंगे, अभी बने नहीं है, चावल वावल बन चुके हैं, बस भटूरे सेकेंगे, उसके बाद में एक मस्त प्लेट बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा क्या ही बने हैं चावल वावल। और देखो इधर बारिश पड़ने लग गई, मौसम ठंडा है कुमला के आज। ओ भाई क्या ही भटूरा बना, मजा आ गया। तो गाइस मेरी प्लेट भी लग चुकी है और क्या ही मस्त लग रहे हैं दोनों छोले भटूरे। ओ हो मजा आ गया। चिकू खाओगे? ओ उठो 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 उठो, ये तो गाइस मैं खाना खा चुका, ये लोग भी खाना खत्म करते हैं फिर हम बाहर घूमने जाएंगे। अभी करना डांस दोबारा करो। ये छोटे छोटे बालक बारिश में क्या कर रहे हैं? ये जो बड़े बच्चे नहीं करते वो छोटे बच्चे कर रहे हैं। ये छोटे बालकों को अंदर करो, ये बारिश में घूम रहे हैं बाहर। तुम छोटे बालकों सब रे। मंगो बारिश आ गई। क्या हुआ? बारिश आ गई, बारिश आ गई, बारिश आ गई। तो गाइस गली में बहुत ज़्यादा मौज मस्ती कर ली, खाना खाने के बाद सब लोग घूम चुके हैं। अभी ये ब्लॉग मैं अभी यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आप लोगों को हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। फिर मिलेंगे अगले एक और ब्लॉग में, बहुत ही अच्छे ब्लॉग में। तो टाटा बाय बाय।